नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा दिए गए जजमेंट के बारे में। तो ये जो जजमेंट है ना, ये उसी का जजमेंट है जो कि बीवी वाला जो मसला चल रहा था ना, उसी का जजमेंट है ये। इसके जस्टिस कौन थे? ऑनरेबल श्री जस्टिस पी साम कोसी, ठीक है, ये थे। इन्होंने जजमेंट दिया हुआ है बी वालों के पक्ष में। तो सबसे पहले तो बी वालों को या फिर इंजीनियरिंग वालों को कहना चाहिए, है ना, चाहे वो बी ए फिर बी टेक वाले हों, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने ये लगभग केस जीत लिया, समझी, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये मसला क्या था। ये मसला था बी वालों को मैथ्स में, है ना, मैथ्स के टीचर में एलिजिबल किया जाए या नहीं, यानी पात्र किया जाए या फिर अपात्र किया जाए, है ना, इसके संबंध में था। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इसे अपात्र किया जा रहा था कहीं कहीं पर। तो इस सबसे पहले तो उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहले एक बार पिटीशन दायर किया था, जो कि उस समय हाई कोर्ट ने उन्हें अनुमति दी थी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। चूँकि उन लोगों ने बीएड किया हुआ है और टीईटी भी उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये मौका देना ज़रूरी था। तो हाई कोर्ट ने उस समय उनको मौका दे दिया, ठीक है। अब उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इस बार भी हाई कोर्ट ने क्या किया है, उन्हें फिर से भर्ती में यानी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया है। उन्हें पात्र घोषित किया गया है, है ना, और उन्हें सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होने के कारण उन्हें अपात्र ना करने की अपील की गई है छत्तीसगढ़ शासन को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एक चीज़, यहाँ पर मैथ्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, मैथ्स के साथ क्या होना चाहिए, इनमें से कोई भी दो डिग्री होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, है ना, कंप्यूटर साइंस यानी कि, और स्टैटिक्स हो या फिर मिलिट्री साइंस हो या फिर ग्राउंड नॉट साइंस हो, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर दो सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट, है ना, कोई भी दो, कैसे भी कॉम्बिनेशन हो चलेगा, है ना, तो मैथ्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इंजीनियरिंग वाले भी क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं वो लोग, उनमें उसमें भी होता है उनका, ठीक है। तो ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके पास ये इनमें से कोई दो सब्जेक्ट हो इंजीनियरिंग में, है ना, तो वो वहाँ पर पात्र होगा। यहाँ पर आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मसला है वो क्या है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो बोला गया है कि बी टेक क्या है, ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक है, ग्रेजुएशन कोर्स है ना। तो ग्रेजुएशन जो मांगा गया है उसको ये लोग पूरा करते हैं उस अर्हता को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, बीएड बोला गया था, है ना, तो इन्होंने बीएड भी किया हुआ है, ठीक है। जो एससीईआरटी है, एससीईआरटी ने भी क्या किया था, उन्हें बी वालों को ग्रेजुएशन में यानी कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए अनुमति दे दिया था, है ना, जिसका 55% हो, है ना, उनको, तो उन्होंने बीएड कर लिया। फिर उसके बाद उन्हें टीटी में भी अपेयर होने दिया गया, तो उन्होंने टीटी भी उत्तीर्ण कर ली। अब फिर उसके बाद उन्हें शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें भी उनको शामिल किया गया, और उसमें भी उन्होंने मेरिट में अपना जगह बनाया। अब इन्हीं सबको देखते हुए जो उच्च न्यायालय के माननीय जो जस्टिस हैं, उन्होंने क्या किया, इनके पक्ष में ये जो सुनवाई है वो सुनाया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर जो 16 नंबर का है, ये हम लोग देखते हैं इसको, इसमें क्या बोला जा रहा है ना, यही सबसे मेन चीज़ है, यहीं पर सब चीज़ बोला गया है, ठीक है। इसको समझ जाएंगे, इसको बस पढ़ने को है आपको, बाकी चीज़ अब ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। तो समय कम है इसलिए मैं इस चीज़ को आपको अच्छा समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। द स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि SCERT, तो SCERT हैव देमसेल्व परमिटेड, है ना, SCERT खुद परमिट दिया है द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर विद 55% मार्क टू गेट एडमिशन फॉर बीएड कोर्स, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए किसके लिए परमिशन दिया हुआ है, इंजीनियरिंग वालों को, यदि उनका 55% है तो उनको बीएड करने के लिए ये अनुमति दिया हुआ है, ठीक है। द गवर्नमेंट देमसेल्व टू पास्ट हैव परमिटेड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट टीचर मैथ्स एंड टीचर साइंस, ठीक है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, उसने भी खुद क्या किया हुआ है, पहले उनको इंजीनियरिंग वालों को यानी कि
इस परीक्षा में भाग लेने के लिए है ना, और टीचर में अपॉइंटमेंट करने के लिए उनको ये उनको अवसर दिया हुआ था है ना, दिया हुआ है मतलब टीचर मैथ्स यानी कि जो हिंदी मीडियम है उसको दिखा रही है, और टीचर यहाँ पे साइंस जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश मीडियम का जो टीचर है उसको दिखा रहा है, ठीक है आप लोग ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट हैविंग स्टडीड द टू सब्जेक्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सेट पोस्ट इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सब्जेक्ट इन देयर ग्रेजुएट कोर्स, वही जो मैंने आपको पहले दिखाया ना कि कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए है ना, यानी कि मैथ्स के साथ आपके कोई भी दो सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर मिलिट्री साइंस होना चाहिए, फिर जो भी उसमें दिया गया था मेंशन किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं है ना वहाँ से, तो उसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट है आपके पास है ना, फिर इंजीनियरिंग वाले हो, अब इंजीनियरिंग वाले देखिए कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं ना, और तो ये सारे चीज़ें उस उनके में होता ही है सब चीज़ है ना, तो अगर उनमें से कोई दो सब्जेक्ट हैं तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इफ़ द ग्रेजुएट्स इन इंजीनियरिंग आर परमिटेड आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बीएड कोर्स है ना, अगर जो ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उनको बीएड करने के लिए है ना, बीएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाता है, आर आल्सो परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उनको साथ ही साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। दिस इज सेल्फ फोर्स दैट कोर्ट टू ड्रॉ एन इन्फ्रेंस है ना, तो इसलिए कोर्ट को ये खुद ही मतलब बलपूर्वक उनको ये मतलब ज़बरदस्ती उनको ये कहना पड़ रहा है, या फिर समझिए ठीक है ऐसे बोला जा रहा है, फोर्सफुली उनको ये निर्णय लेना पड़ रहा है, ये निष्कर्ष निकालना पड़ रहा है कि दैट द गवर्नमेंट्स इंटेंशन वॉज नेवर टू डिबेट द इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम इंटायर इन टू द टीचिंग प्रोफेशन है ना, तो इससे पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है यानी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उनका कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि वो इंजीनियरिंग वालों को टीचिंग भर्ती में नहीं लेंगे है ना, उनका मतलब यानी कि उनका ये कहना था कि ये कहना है कि उनका मतलब ये सोच था कि इंजीनियरिंग वालों को कभी ना कभी मौका देंगे स्कूल विभाग में है ना, इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बोथ अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट एज आल्सो अंडर द ट्राइबल डिपार्टमेंट है ना, और इसलिए बोला जा रहा है कि यानी कि कभी भी उनको मौका दिया जा सकता था या फिर दिया जा सकता है, इसलिए तभी तो उनको बीएड करवाया गया है ना इंजीनियरिंग वालों को, अगर बीएड करवाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उनको मतलब लिया जाएगा, यानी कि उनका ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कभी ये इंटेंशन नहीं था कि ये कह दिया जाए कि हम बीए वालों को नहीं लेंगे है ना, और इसलिए उनको पात्र करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर देखिए जो पात्रता संबंधी बात है वो यहाँ पर कही गई है, ठीक है। गिवन द सैड फैक्ट एंड सरकमटेंस ऑफ द केस है, सारे जो केस के जो सारे चीज़ों को देखते हुए है ना, द कोर्ट इज इनक्लाइंड टू अलाउ टू रिट पिटिशन होल्डिंग दैट द पिटिशनर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सब्जेक्ट टू द पिटिशनर्स फुलफिलिंग ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड ऑल्सो क्लियरिंग द सेलेक्शन प्रोसेस ऑन देयर मेरिट है ना, तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोर्ट ये निर्णय निकाल रहा है कि जो भी पिटिशन दायर जिन्होंने किए हुए हैं और उन्होंने क्या किया हुआ है, जो फुल जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस सब क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं वो लोग है ना, जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन सबको पूरा कर रहे हैं वो लोग है ना, तो इसलिए उनको सेलेक्शन प्रोसेस में साथ ही साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, सेलेक्शन प्रोसेस में अपना मेरिट लिस्ट में अपना नाम भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए उनको क्या करेंगे, दिस कोर्ट ओनली परमिटेड आर डिक्लेयर दैट द पिटिशन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड देयर कैंडिडेट और देयर एप्लीकेशन शुड नॉट टर्न डाउन आर रिजेक्ट ओनली ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये कोर्ट ये बोल रहा है कि कोर्ट दिस कोर्ट ओनली परमिट्स और डिक्लेयर द पिटिशन एलिजिबल है, तो जो पिटिशनर्स हैं वो क्या है, वो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, यानी पात्र हैं टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड देयर कैंडिडेट कैंडिडेचर आर
देयर एप्लीकेशन शुड नॉट बी, यानी कि उनका जो एप्लीकेशन है उनको उसको इस हिसाब से आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक, मतलब यह कह करके रिजेक्ट नहीं कर सकते उनको कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं करके, है ना, ये कहा जा रहा है। तो मतलब अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इंजीनियरिंग वालों को भी अब पात्र कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि टीचर के लिए। तो एक बार फिर से मैं उनको पुनः पुनः मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि यह केस अब आपके हाथ में आ गया है, अब ज़रूरी है कि आपको पात्र किया ही जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक दिन और आया था जिसमें 5% वालों को छूट देने की खबर आई थी, यानी कि सॉरी जिनका जो 50% नहीं है, यानी 45% से ऊपर वालों को भी अब पात्र किया जाएगा। तो धीरे धीरे सारे मसला जो है वो शिक्षक भर्ती में अब सुलझते जा रहे हैं, हमें बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, ये भर्ती ज़रूर होगी और पूरे पोस्ट पर होगी, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। इस वीडियो की PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं।